तो अगला यूनिट हमारा है क्या, 65 नंबर है उसका, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ। अब यहाँ पे आ गया कि वो अधिकार और पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटीज आ गई यहाँ पे। अभी तक तो बोला कि एक आदमी की क्या क्या बातें, अब बोला उनकी क्या ड्यूटी बनती है, किनकी, पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी हमने पीछे बता दी थी, ऐसी सारी गवर्नमेंट की असिस्टेंट एजेंसी जिसमें पूरा पैसा गवर्नमेंट का या उसमें फंडेड असिस्टेंट हो वो सब लगे, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन एंड ऑफ पब्लिक अथॉरिटी क्या बोलता है, PIO कौन है, पब्लिक अथॉरिटी है। आर ऑफिसर्स डेजिग्नेटेड बाई द पब्लिक अथॉरिटीज इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और ऑफिस अंडर इट टू प्रोवाइड क्या, इनका बेसिक ऑब्लिगेशन है किसको, सिटीजन्स को है, विदेशी नहीं मांग सकता। दैट रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर एक्ट एनी ऑफिसर हुज असिस्टेंट हैज बीन सर्व्ड बाय द PIO फॉर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज सेल रेंडर ऑल असिस्ट। अब क्या बोला, एक तो उसने बोला सूचना देगा, दूसरा ये भी बोल रहा है कि उस सूचना लेने के लिए वो किसी को क्या कर सकता है, ऑथराइज कर सकता है कि भैया ये सूचना तुम दोगे करके, मतलब चिट्ठी लिखेगा कि कल से तुम ये PIO का काम देखोगे। तो बेसिकली क्या होता है, जब ब्रांच में छुट्टी जाता है तो क्या करता है, असिस्टेंट को कर देता है, ठीक है। चलो अब क्या है, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म, अब देखो बात आ गई बिल्कुल प्योरली बात आ गई, अब हम आ गए वर्किंग पे आ गए, ये एक्ट कैसे वर्क करता है। PIO सेल डील विद द रिक्वेस्ट फ्रॉम पर्सन सीकिंग इन्फॉर्मेशन, जो चाह रहा है, एंड वेयर द रिक्वेस्ट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग। देखना सुनना, एक तो चाह रहा है, वेयर द रिक्वेस्ट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग टू रेंडर रीजनेबल असिस्टेंट टू द पर्सन, समझ में आई बात। एक अनपढ़ आदमी आ गया ऑफिस में कि साहब मुझे ये सूचना चाहिए कि हमारे गांव में कितने लोगों को जनधन का फ़ायदा मिला या जनधन के अकाउंट कितने हैं बताओ, तो उसे लिखने नहीं आती। तो ये PIO का यानी पब्लिक अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी एप्लीकेशन खुद बनाएगा, समझ में आई बात। ऐसे नहीं कह देगा भैया लिख के लाओ, जैसे बैंक में कहते हैं एप्लीकेशन लिख के लाओ पहले फिर देखेंगे। हाँ जो ऑफिसर होता है उसको PIO, हाँ पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी तो सारी हैं, हर सरकारी अधिकारी पब्लिक अथॉरिटी है, लेकिन उन पब्लिक अथॉरिटी में से एक PIO बन जाए। FIR में पुलिस वाला खुद लिखनी मतलब लिख सकता ना, पुलिस वाला खुद भी कि मतलब जो FIR तो पुलिस वाले ही लिखता है, उसकी एप्लीकेशन नहीं कह नहीं सकता मैं, उसमें सेल होगी असिस्टेंट सेल, उसको कहेंगे वहाँ जाओ अपनी शिकायत वहाँ बताओ, वो लिखेंगे, ठीक है। वहाँ पुलिस का ही मत लिख सकता है, ठीक है। चलो आगे लिखो, चलो हाँ। इफ द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड फॉर हेल्ड बाई, देखना इसको सुनना, और इट्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्लोजली कंसर्न विद द फंक्शन ऑफ अनदर। मान लिया मैंने रोडवेज में चिट्ठी डाली कि रेलवे में कितने माल का ढुलान हुआ बताओ, तो रोडवेज वाला क्या करेगा, उसे शिफ्ट कर देगा उधर। हाँ, ये मना नहीं करेगा। हाँ। एक एप्लीकेशन वापस नहीं जाएगी, उस रोडवेज वाले को वो चिट्ठी रेलवे में भेजनी पड़ेगी और विद इन 5 डे क्वेश्चन आता खुद। क्या सर, इन द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, अच्छा मतलब हमने किसी और डिपार्टमेंट को किसी और डिपार्टमेंट गलती से भेज दिया, हमें पता नहीं था, तो हम आगे तो वो खुद ही उसको क्या करेगा, आगे बढ़ा देगा, ठीक है। अच्छा, PIO may seek the assistance of any office other officer, और वो क्या करेगा, उसको किसी सी हेल्प से उसको पूरा करेगा, ठीक है। PIO on receipt of the application within 30 days, ठीक है, यानी सूचना जो है जिस दिन उसको चिट्ठी मिलेगी उसके 30 दिनों के अंदर उसको जो है सूचना वो करानी होगी, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखो, अब बोलता आगे 30 दिन के अंदर उस RTI का जवाब देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, 30 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसका RTI का जवाब देना, जवाब का मतलब है इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आइदर प्रोवाइड टू इन्फॉर्मेशन ऑफ द पे ऑन पेमेंट और सकती, अब वो इन्फॉर्मेशन फ्री में भी हो सकती है और पैसे में, अगर वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, एक पेज की मांगी तो आमतौर पे कहते हैं चलो दे दो, ज़्यादा पेज की मान लीजिए 100 पेज का कॉपी मांग रहा है तो क्या करेगा PIO उसका पैसा बना के बताएगा, भाई इतना पैसा आप क्या करो दे दो, ठीक है। आगे बोलता है मे बी प्रेस्क्राइब और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट फॉर एनी ऑफ द रीजन्स स्पेसिफाइड, इतना इतना, ठीक है, या तो रिजेक्ट भी कर सकता है कि भैया ये बहुत पर्सनल कॉन्फिडेंस की ऐसी है वैसी, इसलिए नहीं दे रहे, ठीक। सपोज वो जो PIO है वो
इन्फॉर्मेशन 30 दिन के अंदर कलेक्ट नहीं कर पा रहा है। बस आगे बताऊंगा, ठीक है। वे आर द इन्फॉर्मेशन में आएगा, सब आ जाएगा, ठीक है। वे आर द इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड कंसर्न लाइफ और लिबर्टी। अब देखो खास बात आ गई यहाँ पे, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो उसके लिए 30 दिन इंतजार करना जरूरी नहीं है, या उससे 30 दिन इंतजार करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे आप गए किसी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने, आप एडमिट हो गए, वहाँ किसी पर्टिकुलर टाइप की ऑपरेशन होनी है और आप वहाँ उससे CMO से पूछ रहे हैं कि सब यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। अब चिट्ठी आपने दे दी, कोई बता ही नहीं रहा, ये एक महीने में दे देंगे और वो चाहिए 24 घंटे के अंदर, तो उसके लिए एक अलग समय है 48 आवर। वैसे एक महीना है, लेकिन ऐसी इमरजेंसी में लाइफ और लिबर्टी की, लाइफ मतलब जिंदगी मौत का सवाल है और लिबर्टी का मतलब कहीं जेल में बंद है उसे छुटवाने का मामला आ रहा है, तो ऐसी जरूरत, ठीक है। अब क्या डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट कैसे करेगा, तो सबसे पहली बात है कि जैसे ही वो रिक्वेस्ट आएगी तो उसे कहता है वेयर ई रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड। अगर उसने रिजेक्ट करी है तो क्या क्या रीजन देगा उसका, और द पीरियड विद इन एन अपील अगेंस्ट द रिजेक्शन मे बी प्रिफर्ड, और वो समय देगा कि आप इसके अगेंस्ट में कितने दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं, और उस अपील अथॉरिटी का पता देगा पूरा। तीन बातें आ गई, ठीक है। अच्छा, PIO shall provide the information in which it sought unless it would disproportionately divert। इसको मत समझ लें कि वो जैसी सूचना मांगी जाएगी वैसी देगा, जब तक कि उसे ऐसा करने से उसके सारे काम में हलचल ना मच जाए। पता लगा आपने मांग लिया, पिछले 5 सालों में जितने ब्रांच मैनेजर आए वो कितने दिन फील्ड विजिट में थे उनकी लिस्ट दो। अब उसमें क्या होएगा कि उसे पूरे रजिस्टर ढूंढने पड़ेंगे, पता लगा कि 2 महीने ये काम करना पड़ेगा, तो वो यही डिसीजन लिखता है कि इट वुड डिसप्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट द ड्यूटीज ऑफ द PIO, देयरफॉर वी कैन नॉट प्रोवाइड दिस। या वो कहेगा इट विल टेक अ 2 मंथ, इट विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर 2 मंथ। वो अपने हेड ऑफिस में लिखेगा भैया एक आदमी भेजो जो सूचनाएं बनाए, तब हमने बात समझ में आ गई नहीं आ गई। चलो अगला देखो, इन फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब बोलता क्या है, दैट ओनली, क्या बोल, हाँ, दैट ओनली पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड रिक्वेस्टेड आफ्टर सेवरेंस ऑफ द रिकॉर्ड कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द डिक्लेयर। कहने का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है पूरी इन्फॉर्मेशन में से कुछ चीज़ नहीं दी जा सकती, कुछ दी जा सकती है कुछ कॉन्फिडेंशियल, तो उसको वो हाईलाइट कर देगा, जब वो सूचना प्रोवाइड करेगा उतना चीज काट के या फोटोस्टेट में काला करके देगा, ठीक है। सूचना जो देगा, अगर मतलब पूरे पेज में आधी सूचना तो जनरल है और आधी कॉन्फिडेंशियल है, तो कॉन्फिडेंशियल वाले को वो काट के नहीं करेगा, मतलब बात समझ में आ गई। अच्छा, द रीजन लिखेगा फॉर क्या बोला, डिसीजन इंक्लूडिंग एनी फाइंडिंग ऑन एनी मटेरियल क्वेश्चन ऑन फैक्ट, वो सब बता देगा उसके बारे में। अगला, द नेम ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ द गिविंग द डिसीजन, क्या बोला, अपना नेम और डेजिग्नेशन भी देगा, समझ में आई कि मेरा नाम क्या है और मैं डेजिग्नेशन क्या है। अगला क्या है, और जितनी फीस कैलकुलेटर कही उसकी डिटेल देगा। अगला ई वाला, हिज और हर राइट विद रेस्पेक्ट टू रिव्यू द डिसीजन रिगार्डिंग नॉन डिस्क्लोजर ऑफ पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन द अमाउंट ऑफ फी चार्ज और द फॉर्म ऑफ एक्सेस प्रोवाइडेड, वो सारी चीज़ों का क्या है उसके पास राइट है, किसके पास, PIO के पास। अगला, अच्छा, PIO का अगर राइट गलत है तो आप उसके लिए अपील कर सकते हैं। आगे, इन इंफॉर्मेशन सॉट हैज बीन सप्लाइड बाय द थर्ड पार्टी और ट्रीटेड एज द कॉन्फिडेंशियल बाय द थर्ड पार्टी द PIO सेल गिव द रिटन नोटिस टू द थर्ड पार्टी विद। अब देखो ये बात समझना, ये सब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की ड्यूटी हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर वो फर्दर प्रोवाइड कराएंगे इंफॉर्मेशन, वही मतलब एक तरह से वही कराता है, वो अपने अंदर स्टाफ रखता है, डिपार्टमेंट रखता है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो, उसने बोला है कि अगर मान लिया थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, उसने पूछ लिया भैया कि पड़ोसी की वाइफ का नाम चाहिए, तो वो एक काम कर सकता है, वो उसको चिट्ठी लिखेगा भाई एक RTI आई है हमारे पास, वो आपकी वाइफ का नाम पूछ रहा है, हम बता दें। 5 दिनों के अंदर पूछेगा, और अगर वो कहता है कि हाँ बता दो या कोई जवाब नहीं देता तो वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, और अगर वो ऑब्जेक्शन कर देता है तो नहीं दी जाएगी। मतलब ऑब्जेक्शन दे देता है तो नहीं दी जाएगी, बिल्कुल नहीं। और अगर कोई रिप्लाई नहीं आता तो दैट मींस अप्रूवल है कि आप इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसी इन्फॉर्म, देखो
आप कहीं डिपार्टमेंट में काम करें, आपकी सारी जानकारी तो है उनके पास, लेकिन आपके घर की पूछी ना उसने, तो वहाँ डॉक्यूमेंट में है नहीं है, है तो मांग रहा, तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है वो, उसको पब्लिक इन्फॉर्मेशन लाने के लिए डिसीजन है उसका। ठीक हो गया, आगे देखो। तो 5 दिनों भेजेगा। अच्छा, बोला थर्ड पार्टी मस्ट बी गिवन ए चांस टू मेक ए रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द पीआई विद इन कितने डेज, जिस दिन उसको चिट्ठी मिल जाएगी 10 दिनों के अंदर से हाँ या ना बोलना, 10 दिनों तक नहीं देता तो इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर सकता है। ठीक है, पेमेंट ऑफिस 5 दिन और 10 दिन क्या है, 5 दिन में के अंदर तो उसे दूसरे को बताना पड़ेगा भैया ये सूचना मांग रहा है, और जिसको चिट्ठी भेजी है कि भैया दूँ या नहीं दूँ 10 दिन तक इंतजार करेगा उसके लिए। ठीक है, अगला पेमेंट ऑफ फीस के लिए क्या है भैया, 10 रुपये कितनी है, 10 रुपये फीस है प्लस क्या है जितनी 10 के अलावा क्या है, 10 रुपये के अलावा जितना उसका एक्चुअल खर्चा हुआ वो अलग से मांगेगा बैंक। ठीक है, 10 रुपये प्लस एक्चुअल, मतलब शुरू में तो 10 रुपये ही जाएगी, लेकिन बाद में वो कह सकता है भैया कि हम ये सूचना आपको देने को तैयार हैं, इसमें 225 रुपये फोटोस्टेट के दे दीजिए आप, जो भी खर्चा लगेगा। ठीक है, उसके रेट हैं भी नीचे आएंगे। ठीक है, डिस्पोजल ऑफर रिक्वेस्ट क्या बोलता है, डिस्पोजल कैसे होगा, जैसे इस रिक्वेस्ट आ गई तो उसने बोलता है कि अगर वो अदर पब्लिक अथॉरिटी के, सेकंड लाइन में देखो अनदर पब्लिक अथॉरिटी लिखा हुआ है, तो विद इन 5 डेज, हमने पहले पढ़ लिया, अच्छा नीचे लिखा इफ द एप्लीकेशन रिलेट टू द पब्लिक अथॉरिटी रिसीविंग द नोटिफिकेशन शैल बी प्रोवाइडेड एक्सप्रेसली टू द पब्लिक विद इन क्या है, और भैया 30 दिनों में देनी पड़ेगी। ठीक है, लाइफ और लिबर्टी कितनी है, 48 आवर्स। अच्छा, अब देखो नीचे आ गए चार्जेस, आ गए ABCD चार्जेस में। पहला है A4 या A3 साइज का अगर फोटो स्टेट होगा तो ₹2 है, 2 रुपये पर पेज फोटोकॉपी में। हाँ, एक्चुअल चार्ज अकाउंट लार्ज, अगर वो कहता है भैया मेरे को वो बहुत बड़ा नक्शा है उसकी कॉपी करा के दे दो, तो उसमें जो खर्चा है खर्चा जितना आएगा, एक्चुअल कॉस्ट और प्राइस। अच्छा, कोई सैंपल या मॉडल मांग रहे हैं, पर लगा कि आपने 10 ट्रैक्टर बनाए तो वो कह रहा भैया 1 ट्रैक्टर का मुझे सैंपल चाहिए, मैं इसको चेक करूँगा कैसा बनाया आपने, तो उस ट्रैक्टर की कॉस्ट देनी पड़ेगी, ले जाओ सैंपल चेक कर लो। ठीक है, अगला फॉर इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, अब ये सुना, ये क्वेश्चन है पक्का कि पहले घंटे के लिए कोई फीस नहीं और हर 15 मिनट के लिए 5 रुपये। मान लिया 2 घंटे बैठोगे तो कितने रुपये देने पड़ेंगे, पहले घंटे के लिए तो कोई फीस नहीं, और पर 15 मिनट के 5 रुपये। 1 घंटे में कोई खर्चा देना है, जैसे हम 1 घंटे के बाद 15 मिनट बैठेंगे, 1 घंटे बाद जैसे टाइम होगा तो 5 रुपये जमा कराना। ये सब क्या हम लोग खुद वो स्विच वाली टाइम घड़ी लेके जाएंगे, हमें जैसे नहीं हो रहा है, ये वाला काम हो रहा है, ये पेपर हो रहा है, पेपर वर्क हो रहा है ना, किसी ने आरटीआई डाली तो वो बंदा वहां थोड़ा बैठा रहेगा। देखो सूचना आपको जो 30 डे में देनी है, 30 डे में वो समय एक्सक्लूड हो जाएगा जितना लेट आप पेमेंट करने में करेंगे। मान लिया आपने कहीं एप्लीकेशन लगाई तो उन्होंने कहा जी 525 रुपये का ड्राफ्ट भेजिए अगर आपको सूचना चाहिए तो, और आपने उसे भेजने में 10 दिन लगा दिए तो 10 दिन और बढ़ा लो आगे उस 30 दिन में, समझे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब क्या बोलता है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, क्या बोलता है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन में क्या है, विद इन 5 डेज आपको क्या देना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा कहेगा कि भैया ये डिस्क्लोज करें या ना करें। क्या बोला है, टू सच थर्ड पार्टी डेट ही इंटेंड्स टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन, समझ में बात, चौथी पांचवी लाइन में देखो मिला। अच्छा, और अगर वो थर्ड पार्टी अपनी बात को रिटेन और ओरली कह सकती है, लेकिन विद इन कितने डेज, 10 डेज, अगर 10 डेज में वो ऑब्जेक्शन नहीं करती तो आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ द ट्रेड और कॉमर्शियल सीक्रेट प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, डिस्क्लोजर ऑफ थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मे बी अलाउड इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज इन डिस्क्लोजर। अब कुछ ऐसी चीजें हैं कि है तो थर्ड पार्टी की लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट में बताने जरूरी है, तो उसके लिए ये वाली बात ऊपर वाली लागू नहीं होगी। इन इम्पोर्टेंस एनी पॉसिबल हार्म और इंट्रूजन टू द इंटरेस्ट ऑफ सच थर्ड पार्टी। ठीक है, अगला देखो, द नोटिस गिवन टू थर्ड पार्टी मस्ट स्टेट
that the third party is entitled to prefer an appeal against the decision to disclose the information. अब rejection of the request कई हुई है, क्या होता है कि कुछ ऐसी information आप मांग रहे हैं तो request कर सकता है, जैसे साफ साफ बोला हूँ may be rejected, there is such a request the providing access would involve क्या है infringement of the copyright subsisting a person other than the state. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो copyright का वो लॉ का उल्लंघन कर रही है तो उसके लिए रिजेक्शन हो सकता है. ठीक है, इन्फॉर्मेशन एग्जम्प्ट फ्रॉम कौन कौन से, जब देखो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात आ गई कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिस पर क्या नहीं हो सकता है, डिस्क्लोज नहीं कर सकते, डिस्क्लोज नहीं करेंगे उसमें गवर्नमेंट को या पब्लिक अथॉरिटी को एग्जम्प्शन से. पहली बात बोली उसने जो हमारी अखंडता और इंटीग्रिटी है ना, स्वप्रभुता और अखंडता पर इफेक्ट डाले वो. दूसरा क्या है, किसी लॉ में कुछ बताना मना किया गया हो, जैसे कुछ CBI वगैरह की इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, अगला क्या है, डिस्क्लोजर ऑन विच वुड कॉज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. पार्लियामेंट की बात आती है जब, और स्टेट लेजिस्लेटर कुछ कुछ उनकी प्रिविलेज है कि वो नहीं बतानी तो नहीं बतानी. दूसरा क्या है, कमर्शियल कॉन्फिडेंस पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग. अगला क्या है, ये बोलता है कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू ए पर्सन इन हिज फिड्यूसरी. फिड्यूसरी माने क्या होता है, दिखावटी फिड्यूशरी रिलेशनशिप. अगला क्या है, इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट. कोई फॉरेन गवर्नमेंट से लेटेस्ट माने दूतावास की कोई खबर है, वो मांग रहा है कि भैया रात को कितने गार्ड रहते हैं. ठीक है, अगला द डिस्क्लोजर ऑन विच द वुड एंडेंजर टू लाइफ ऑफ द फिजिकल. किसी वो सूचना देने से दूसरे को नुकसान हो सकता है, कोई लाइफ में दिक्कत है. ठीक है, इन्फॉर्मेशन विच वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ द, और अगर कोई ऐसी सूचना मांग रहा है कि उससे उसकी जो जांच चल रही उसमें इफेक्ट आ जाएगा तो कहेंगे भैया अभी जांच चली अभी नहीं दे सकते हम इन्फॉर्मेशन. ठीक है, कैबिनेट पेपर इंक्लूडिंग रिकॉर्ड ऑन डेलीबरेट ऑन काउंसिल. जो मिनिस्टरों के कागज होते हैं, जैसे कोई बिल चल रहा है उसने कहा जी कल जो बिल आएगा उसमें आपके ऑब्जेक्शन क्या जरा दिखाओ, तो जब तक वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं बनेगी तब तक नहीं ले सकते. ठीक है, बात समझोगी. अच्छा, ये सारी बात अगर एक और है, इन रेस्पेक्ट ऑफ द आइटम ACI. कौन कौन से, AC और I, इनके लिए बोलता है द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी इवेंट विच अकर्ड और हैपेंड 20 years बिफोर द डेट ऑन विच द रिक्वेस्ट इज मेड शैल बी प्रोवाइडेड टू द पर्सनल. तो यानी 20 साल से पुरानी अगर होंगी तो भी इन केसेस में वो दी जा सकती है. नहीं, 20 साल से पुराना दे सकते हैं. पुराना, हाँ 20 साल से पुराना, क्योंकि 20 साल से पुराना है तो अब क्या इफेक्ट डालेगा आज की तारीख में, इन्होंने टाइम मान लिया. ठीक है, अपील की बात आ गई. चलो अब आपका क्या आता है, अपील. तो अपील, अभी हमने सबसे ऊपर ये बात देखी थी कि अगर आपको 30 दिनों के अंदर कोई जवाब नहीं मिला तो भी आप ये मान लें कि मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है. अगर चिट्ठी मिल गई रिजेक्ट हो गई तो अलग बात है, नहीं भी मिला तो भी क्या मानेंगे, रिजेक्ट. तो अब आप क्या करेंगे, तो अब आपको क्या करनी पड़ेगी, अपनी एक अपील. अपील करने में क्या है, दो प्रोसेस हैं, एक होती है फर्स्ट अपील और एक होती है सेकेंड अपील. एक क्या है, एक क्या होती है, फर्स्ट अपील होती है और एक होती है सेकंड अपील. फर्स्ट अपील डिपार्टमेंट में होती है और सेकंड अपील होती है कमीशन में. कमीशन से मतलब चाहे वो स्टेट कमीशन हो चाहे वो सेंट्रल कमीशन हो, वो दो बताए थे ना हमने. और दोनों जो अपील करी जाएंगी उसमें क्या है, वो पता है कहाँ से मिलेंगे आपको. पहली बात तो ये, जिसने रिजेक्ट करी होगी वो बता देगा, नहीं होगा तो आपको ढूंढ डांड के वो करनी पड़ेगी. ठीक है, उसको आप अपील करें. क्या बोलता है, देखो, द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ऑल्सो द स्टेट इन्फॉर्मेशन वेयर एवर इट हैज़ बीन एम्पावर टू रिसीव द इंक्वायर इन टू द कंप्लेंट. अब इसमें क्या है, अपीलों के अलावा एक शब्द और आ गया, कंप्लेंट. अपीलों के अलावा एक शब्द क्या गया, complaint. कुछ और शिकायत करनी है आपको. अपील तो वही, मैंने सूचना मांगी थी मुझे दी जाए. अब कोई शिकायत करनी है आपको कुछ और, कि ये जो है इस पद पे अच्छा काम नहीं करते हैं, हमेशा डिले करते हैं, ये करते हैं, इनको हटा दिया जाए. दिस इज का काइंड ऑफ कंप्लेंट. ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है, देखो कौन कौन सी, हु हैज बीन अनेबल टू सबमिट ए रिक्वेस्ट टू सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और हिज एप्लीकेशन फॉर इन्फॉर्मेशन और अपील वाज रिफ्यूज टू बी रिसीव. यानी अब देखो सुनो, कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन या CPIO ने या पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने आपकी एप्लीकेशन क्या करी, रिफ्यूज कर दी, या हु हैज बीन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, और या उसने आपको कहीं घुसने नहीं दिया यानी कोई सूचना प्राप्त नहीं करने दी, या क्या गया, उसने समय से क्या नहीं दिया, रेस्पॉन्स नहीं दिया,
या उसने क्या करा, जो फीस है वो क्या है, अनरीजनेबल लगा दी। उसने कहा जी 2525 रुपए दो तब वही फाइल मिलेगी आपको। और हु बिलीव्स ही हैज बीन गिवन इनकम्प्लीट, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग या झूठी मिल गई इन रेस्पेक्ट टू एनी अदर मैटर अंडर से। तो और ये सारे कारण ऐसे बनते हैं जिनमें आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ये सारे कारण कैसे बनते हैं जिसमें आप अपील कर सकते हैं कि भैया मुझे इन कारणों से अब अपील करनी है। तो एनी पर्सन हु डज नॉट रिसीव डिसीजन विद इन द टाइम, कब, उसे नॉर्मली 30 डे में समय नहीं मिला तो जा सकता है, ठीक है, या वो सी पी आई ओ के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है। मे, क्या लिखा हुआ, मे विद इन 30 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड फ्रॉम द रिसीट डिसीजन। तो क्या हुआ, तो भैया इस आदमी के पास जाने के लिए प्लस 30 दिन चाहिए, यानी जो पीआईओ ने सूचना देनी थी, पीआईओ ने जो सूचना देनी थी उसके लिए आपने कितने दिन का वेट किया, 30 दिन का। अब 31वें दिन से आपको राइट है कि आप अपील जा सकते हैं, लेकिन वो 31वें दिन से 30 दिन का समय है, कब है, 31वें दिन से 30 दिन। अब इसमें उसके ऊपर वाले रैंक के ऑफिसर के पास जाएगा ना, हाँ, अपीलेट अथॉरिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अपीलेट अथॉरिटी, हाँ, और पहले इसको बोलते हैं फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था ना, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, जो कि कहाँ होता है, उसी डिपार्टमेंट में। अभी 30 दिन और 30 दिन का वही समझ लेना एक बार, 60 दिन हो गए ना, नहीं ऐसे नहीं, अच्छा मान लिया आपने कहीं से सूचना मांगी, उसने 7 दिन में आपको जवाब दिया जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो कितने दिन होगा, आपको जवाब मिल गया ना, हाँ। वहाँ से 30 दिन होगा, इसलिए 60 दिन नहीं है इस काम से, 30 दिन तक आपको इंतजार करना है, हाँ। अगर नहीं दी तो 30 दिन बाद जाएंगे, लेकिन 30 दिनों के अंदर जाएंगे, यानी 60 दिन, अगर बीच में कोई जवाब आ गया तो 30 ही दिन मिलेंगे फिर, अच्छा समझ गई, रिप्लाई आने के 30 दिन बाद या वो 30 दिन एक्सपायर होने के बाद 30 दिन, दोनों से ठीक हो गया। अच्छा अगला क्या है, फिर क्या बोलता है, इफ द अपील इज अगेंस्ट द थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, अब देखो कौन सी वाली है, द अपील बाय द कंसर्न थर्ड पार्टी शैल बी मेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, वही है, ये भी 30 दिन वाला है, ठीक है। अब आ गया देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आ गया, सेकेंड अपील विल लाई अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी बिफोर द सेंट, कहाँ जाती है, या स्टेट, भाई या तो राज्य सूचना आयोग में जाएगी या स्टेट में जाएगी। अच्छा ये सेंट्रल और स्टेट का मतलब समझे, स्टेट गवर्नमेंट का मामला होगा तो स्टेट में जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा तो सेंट्रल, बैंकों की कहाँ जाती है, बैंकों की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा अब क्या बोलता है, लेकिन विद इन क्या है, 90 डेज फ्रॉम द डेट, या तो डिसीजन मिल गया हो या फिर या उसने 90 दिन तक जवाब नहीं दिया हो, किसने, जो फर्स्ट वाला है उसने, उसके 90 दिन कहाँ से आके, अरे भाई पहले आपने 30 दिन में वहाँ गए फर्स्ट वाले के पास, आप इंतजार कर रहे हो कितने दिन इंतजार करोगे, 30 दिन, अरे उसके लिए 90 दिन, उसके 90 दिन, उसके बाद पहले दिन 30, उसका 90 है, ये देखो ना, देखो अ सेकेंड अपील विल लाई अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी बिफोर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड द सेम सेल हैव टू बी प्रिफर्ड विद इन कितने डेज है, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन शुड हैव बीन मेड और वाज एक्चुअली रिसीव, यानी उसका डिसीजन आने के 90 दिन बाद क्या करना है उसको, सेकंड अपील भाई, फर्स्ट अपील के 90 दिन के बाद नहीं, हाँ। फर्स्ट अपील के बाद चिट्ठी भेज दी, हाँ। तो इसको भी 30 दिन में क्या देना है, आपका जवाब देना है, यानी जवाब दोनों को 30 दिन में देना है, जवाब कितने दिन में देना है, 30 दिन, चाहे वो पीआईओ हो चाहे वो फर्स्ट अपीलेट हो, अब 30 दिन में इसने भी जवाब नहीं दिया, 30 दिन में इसने दिया, तो पीआईओ से फर्स्ट में जाने के लिए तो 30 दिन मिल रहे, लेकिन फर्स्ट ने भी जवाब नहीं दिया कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, तो आप अगले 90 दिनों में कहाँ जा सकते हैं, और इसके लिए 90 दिन क्यों, इसका लॉजिक समझ लो, जैसे हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से करोगा तो क्यों भाई, आप सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में जाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी, और वो बढ़िया तैयारी करने के लिए आप प्रॉपर टाइम 90 दिन दिया हुआ है, ठीक है बोलो। अच्छा द अपील शैल बी डिस्पोज ऑफ विद इन द 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द अपील और विद इन, अब क्या है, अब किसके पास अपील पहुँच गई तुम्हारी,
सेंट्रल कमीशन के पास पहुंच गई तो उम्मीद की जाती है कि वो जब आपकी अपील आ जाएगी तो वो भी 30 दिनों में उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा, या बहुत ज़्यादा होगा तो क्या है 45 दिनों में क्या है डेट ऑफ फाइलिंग देयर ऑफ द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन इज बाइंडिंग द ऑन पार्टी, और जो उसका डिसीजन होगा उसको मानना पड़ेगा। तो जहाँ तो लिखा तो 30 दिन है और 45 दिन लिखा हुआ, लेकिन 5-5 साल तक कोई डिसीजन नहीं होते क्योंकि बहुत सारे केस पेंडिंग हैं वहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर इन अपील, अब देखो इन डिसाइडिंग द अपील सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन मे पास द फॉलोइंग ऑर्डर, कौन कौन से कर सकता है, रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी टू टेक एनी स्टेप नेसेसरी टू सिक्योर क्या है कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब उसको कह सकता है कि भैया ये चीज़ें आपको करनी है, इसको ऐसा करो, आपसे कुछ भी बोल सकता है। सूचना तो देना एक अलग बात है, वो ये तो बोलेगा कि सूचना दो, उसके साथ साथ ये करेगा। ठीक है, बाई प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इन ए पर्टिकुलर फॉर्म, बाई अपॉइंटिंग ए सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, क्या कर सकता है वो, कोई एक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन को भी अपॉइंट कर सकता है। आगे बोलता है रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी टू कंपनसेट, अब कंपनसेट का मतलब कुछ हर्जाना कि भैया इसे 25,000 तक का दो। अगला बोलता है कोई पेनल्टी भी कर सकता है और वो अपील को रिजेक्ट भी करता है। अब आखिरी चीज़ आती है क्या, पेनल्टी। पेनल्टी में क्या है, सबसे पहले बात है ना 250 रुपये पर डे, 250 रुपये पर डे है, बट मैक्सिमम कितना लिखा हुआ है 25,000, इतने तक का जुर्माना लगा सकता है। मान लिया उसने 20 दिन तक सूचना नहीं दी, 20 दिन का उसमें जुर्माना है, 90 दिन तक नहीं दी तो, लेकिन मैक्सिमम कितना है 50 है। जुर्माना जो है ये पर्सन पे लगेगा या डिपार्टमेंट पे लगेगा, ये लगता है PIO पे, डिपार्टमेंट ना ना अधिकारी पे लगता है और डिपार्टमेंट उसी की उससे तनख्वाह से काटता है। अच्छा, कहते हैं आप उसकी तनख्वाह, जैसे मान लिया कोई 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 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको पेनल्टी दे दी गई 25,000 की, तो उसकी तनख्वाह से काटेगा, डिपार्टमेंट नहीं देगा खर्चा, क्योंकि उसको जो काम करने को दिया था उसने काम नहीं किया। ठीक, अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं हो आप तो मना कर देगा, तो मना कर देगा वो, तो जज देखेगा ना कि बस सूचना नहीं, मैं कहाँ से दूँ, बना के थोड़ी देंगे सूचना, और मना कर सकते नहीं, मना कर सकते नहीं। ठीक है, आगे तो द कमीशन हैज द पावर टू क्या है रिकमेंड टेकिंग डिसिप्लिन, और वो कैसा कर सकता है कि भैया इसके अगेंस्ट क्या करो, डिसिप्लिन अगेंस्ट दो इसकी, उसमें लिखो सर्विस सीट में लिखो ये काम नहीं कर। ठीक है, और क्या है CPIO इन्फॉर्म अंडर द सर्विस रूल्स एप्लीकेबल, जो भी सर्विस रूल्स में उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकता है वो कर सकता है। ठीक है, अब क्या बोलता है विदाउट रीजनेबल कॉज, किन किन कंडीशन में परसिस्टेंटली फेल टू रिसीव एन एप्लीकेशन फॉर द इन्फॉर्मेशन, यानी वो क्या कर रहा है लोगों की एप्लीकेशन नहीं ले रहा, हैज़ नॉट फर्निश, उसने सप्लाई नहीं करी, और क्या है उसकी इंटेंशन क्या थी कुछ मेलाफाइड थी, और क्या है उसने इनकरेक्ट और ये जानबूझ के ऐसा किया, अगला क्या है उसने सूचनाओं को डिस्ट्रॉय कर दिया, और क्या बोला कि ऑब्स्ट्रक्टेड इन फर्नि, और कोई दे भी रहा था तो उसको भी मना कर दिया। ठीक है, तो इतने काम अगर PIO कर रहा है तो उसको इन आधारों पे पेनल्टी हो सकती है, और पेनल्टी क्या है वो पेमेंट और फाइनेंशियल पेनल्टी तो होगी होगी, उसके अलावा क्या पेनल्टी बता रहा हो कि वो उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकता है। तो ये हमारा है।